हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। SN1 और SN2 से रिलेटेड हमने 7-8 वीडियो बना रखी है अब तक, ठीक है। उसको जाकर के देखिए, क्योंकि एक एलेबोरेट स्टडी और एक बहुत अच्छे से समझ डेवलप करने के लिए उतनी वीडियो की ज़रूरत है आपको। इसके बाद वो 7 वीडियो के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी SN1 वर्सेस SN2 की, कि आखिरकार कब SN1 रिएक्शन लगाएं और कब SN2 रिएक्शन लगाएं। सिर्फ पढ़ लेने से सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस, तो इस वीडियो के इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे इनके रिएक्शंस के बारे में और उन क्वेश्चंस को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप करा देता हूँ, समझा देता हूँ कि SN1 कब होता है और SN2 कब होता है, ताकि आप आगे के रिएक्शन को ईजिली समझ पाएं। चलिए देखते हैं। SN1 रिएक्शन क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जहां पर कोई कार्बोकैटायन स्टेबल हो। क्या हो? कोई कार्बोकैटायन स्टेबल हो। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया है और इस कार्बन पर मान लीजिए कि हमने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप इसको वाटर में ले लीजिए, ठीक। वाटर में क्यों लेते हैं? क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो सॉल्वेंट होता है ना, वो कैसा होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप क्या क्या ले सकते हो? इथेनॉल ले सकते हो, ठीक है, या वाटर ले सकते हो, या कोई भी जहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इस तरीके से होता क्या है, इसका पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये ब्रोमीन आप हटा देते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रोमीन भाग जाएगा, तो क्या बनेगा? देखिए, इस कार्बन पर क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये जो सॉल्वेंट आपने लिया था, ये सॉल्वेंट ही यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। दोबारा सुनिए, SN1 रिएक्शन के अंदर यही सॉल्वेंट जो हमने लिया है ना, ये सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्वेंट अटैक करवा देंगे कहां पर? कार्बन के सेंटर पर, कार्बोकैटायन पर। तो क्या बनेगा देख लीजिए, कार्बोकैटायन में ये देखिए बनेगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। पहले तो ऐसा बनेगा, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाद में वहाँ से H+ हटा देंगे तो क्या बनेगा? एक बेंजीन बनेगा, जिस पर ऐसा लगा करके यहाँ पर OH लिख दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने की कोशिश कर ली SN1 मैकेनिज्म के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा SN2 में। अगर यही सवाल SN2 में आता तो कैसा आता? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको क्या करो, 1 डिग्री बना दो CH2 और यहाँ पर लिख दो Cl, और इसकी रिएक्शन मैं करवा दूँ NaI acetone के साथ। किसके साथ? NaI acetone के साथ। तो देखिए, NaI तो यहाँ पर रिएजेंट का काम करने आया है, ये एसीटोन क्या है भाई? एसीटोन यहाँ पर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो है SN2 के केस में हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट क्या लेते हैं? पोलर ए प्रोटिक लेते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे क्या ले सकते हो? DMSO, एसीटोन, DMS, ऐसी सारी चीजें ले सकते हो। इसके पिछली वीडियोस में बहुत क्लियर करके पढ़ा रखा है सब कुछ, लेकिन फिलहाल रिकैप करवाना है तो जल्दी देखें। यहां से क्या होगा, ये सॉल्वेंट है, ये कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव, I नेगेटिव, ठीक है। I नेगेटिव क्या करेगा, देखिए, इससे CH2 सेंटर पर अटैक करेगा और ये क्लोरीन निकल के बाहर आ जाएगा। यहां पर क्यों अटैक हुआ, आप समझ रहे होंगे, कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, इस कारण पर पॉजिटिव चार्ज। तो एक ही स्टेप में इसका प्रोडक्ट बन जाता है, और क्या बन जाता है? यहां पर आयोडीन लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? CH2I। तो हमने क्लोराइड से क्या बना दिया? आयोडाइड बना दिया। ये एक स्टेप की रिएक्शन होती है। ये कितने स्टेप की है? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? सिंगल स्टेप की है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। जबकि सही से देखो तो ये कितने स्टेप की हो गई? 1, 2 और 3, लेकिन इस वाले हमने क्या किया? H+ हटाया है, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे ये 2 स्टेप की बेसिकली मानी जाती है, और यहाँ पर आपको ये 3 स्टेप इसलिए दिख रही है क्योंकि बाद में हम यहाँ पे H+ हटा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हो 1 से ज़्यादा स्टेप होते हैं, जबकि SN2 में क्या होते हैं? 1 ही स्टेप होते हैं, ठीक है। ओके, अब रेट की बात करते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्टेप 1। इसमें कौन होता है? स्टेप 1। यहाँ पर तो एक ही स्टेप है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग होगा, ठीक। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? स्टेप 1। तो स्टेप 1 से हम रेट निकालेंगे। रेट बताइए क्या होगा? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ किसके? दिस वन, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल क्या होगा? रेट होगा किसमें? SN1 में, ठीक। लेकिन
यहाँ वाले में तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, किस किस पे डिपेंड करता है, जिस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, आई की कंसंट्रेशन, आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी अटैक होगा, और ये जितनी ज़्यादा होगा उस पर उतनी जल्दी अटैक होगा, इसका मतलब दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो मैं एक जनरल चीज़ लिख रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो रेट जो है ना इन दोनों पर डिपेंड करता है। आप कंसंट्रेशन एन ए आई का बढ़ा दोगे तो जल्दी रेट हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी हो जाएगा, अगर दोनों बढ़ा दोगे तो रेट तो मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनल में आ जाएगी किसके, रेट के। इतनी बात सब समझ में आ गई होगी, तो ये शायद एक रिकैप हो गया। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, अब हम अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं जहां पर हम ग्राफ के सहारे सीखेंगे रेट के बारे में, ठीक है। तो देखिए रेट और एल्काइल हैलाइड के बारे में अगर SN1 मैकेनिज्म में पूछा जाए तो बताइए रेट जो है क्या बढ़ता है एल्काइल हैलाइड के बढ़ाने से, तो हाँ आपने अभी पढ़ा कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट बढ़ता है, इसका मतलब ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो रेट और एल्काइल हैलाइड क्या है, प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से ऐसा ग्राफ आएगा। SN2 के केस में भी रेट और एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ही हमारा सब्सट्रेट है और उसी सब्सट्रेट की पर की कंसंट्रेशन पर तो दोनों रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। वेरिएशन कहां आता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर, उस पर बाद में आते हैं। तो देखिए यहां के रेट पर भी वही क्या होगा, रेट बढ़ेगा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ेगा, इतनी बात ठीक है ना, ओके। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, सेकंड में क्या है, रेट और न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या मैटर करता है SN1 रिएक्शन में, नहीं मैटर करता। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जीरो से आगे ले जाने से रेट पर कोई फर्क नहीं आता, जीरो रहता है रेट, क्या रहता है, जीरो रहता है। तभी लाइंस क्या बनाई हमने, पैरेलल। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि रेट डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, इम्प्रोपोर्शनल नहीं है, कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में टू बाई मॉलिकुलर शब्द है, टू है तो दोनों लोग आते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो टू वाले इसमें क्या लिखा जाता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है रेट में, ठीक। अब देखिए अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा, कब, SN2 में, इसका मतलब यहां पर ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ सीधा बनाएंगे और यहां पर ग्राफ इस तरीके से बनाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेट ही हमने पूछा है लेकिन देखिए क्या लिखा है, एक तरीके से आप यहाँ पे सब्सट्रेट देख सकते हो, CH2Br, CH3Br, CH3CH2Br, CH3CH3Br, इसका मतलब देखिए डिग्री पहचानने की कोशिश करिए, ये तो मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये 1° ब्रोमाइड हो गया, ये कितना है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो कितना डिग्री, 2° हो गया, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो कैसा हो गया, 3° एल्काइल हैलाइड हो गया। एल्काइल हैलाइड में आपको रेट पूछा जाए तो SN1 का रेट कहाँ ज़्यादा होती है, 3° में, फिर 2° में, फिर 1° में, सबसे लास्ट में ये आता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहां से 3° कार्बोकैटायन बनता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो SN1 की रेट में कौन आगे आता है भाई, 3° बाद में कौन आता है, 2° भाई, देखो 1° तो बहुत पीछे रहता है और मिथाइल तो सबसे पीछे रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको SN1 रिएक्शन सिर्फ कब करानी है, जब 3° और 2° मिले, ठीक है, 3° या 2° मिले तभी आपको SN1 करानी है, 1° में सिर्फ तब करानी है जब आपका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल हो, जैसे फेनाइल हो, एलाइलिक हो, तब आपका 1° होता है, और CH3 के साथ तो कभी भी, CH3Br के साथ, CH3Br, CH3Iodine कुछ के साथ SN1 मैकेनिज्म कभी होता ही नहीं है। CH3Br हमेशा कहाँ आगे होता है, SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, बैक साइड अटैक करते हैं, और बैक साइड अटैक में हमें मिनिमम क्राउडिंग चाहिए होती है, तो मिनिमम क्राउडिंग किसमें है, इसमें, फिर कौन आएगा, 1° में, फिर देखो 2° में भी SN2 हो सकता है लेकिन 3° में कभी भी नहीं होगा। तो 3° में याद रखना इस चीज़ को कि 3° एल्काइल हैलाइड में SN2 प्रोसेस नहीं होता है, 3° एल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, और SN1 नहीं होता कहां पर, CH3Br में कभी नहीं होगा, ठीक। तो दो बात क्लियर हो गई कि इधर 3° में नहीं होता और इधर CH3Br में नहीं होता, इधर 3° में बहुत शानदार होता है जबकि SN2 में सबसे पीछे होता है, देख लो रिवर्स मैकेनिज्म दिख रही है आपको, बात क्लियर कर रही है। रेट वाले फैक्टर को हम थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ के तहत समझ सकते हैं SN2 और SN1 को हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर MEBR है मतलब मिथाइल ब्रोमाइड है, एंड ETBR का क्या मतलब होता है, ET मतलब इस तरीके से,
ठीक है। तो ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। और आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है, वी बना करके इस पर क्या बना दीजिए, बीच में ब्रोमीन लगा दीजिए, तो ये क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल का क्या मतलब होता है, 3 डिग्री, और यहां पर क्या बना दो, ब्रोमीन। तो ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। तो टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। अगर हमें SN1 मैकेनिज्म के लिए ग्राफ बनाना हो रेट के लिए, तो MEBR पर मान लीजिए ये पॉइंट हमने बनाया है यहाँ पर, तो ETBR, MEBR और ETBR में SN1 में किसकी रेट ज़्यादा होती है, ETBR की, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। IPR वाले में क्या होगा, 2 डिग्री, तो ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा, और ये कैसा है, 3 डिग्री, तो ये थोड़ा और ऊपर आएगा। अगर आप इसको मिला दीजिए तो क्या बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए, SN1 मैकेनिज्म का ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या है, MEBR, और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों का क्या जवाब देंगे, कि भाई देखो अगर हम SN1 मैकेनिज्म से करेंगे तो हम पहले ब्रोमीन हटाएंगे, ब्रोमीन हटाएंगे तो एक कार्बन बनेगा जिससे 3 कार्बन कनेक्ट होंगे, ठीक है। 3 कार्बन में कितने हाइड्रोजन आएंगे, 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से ही जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो बहुत ही स्टेबल होगा, इसलिए उसकी रेट ज़्यादा होगी। हमें पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है उतना ही रेट ज़्यादा होता है, तो SN1 मैकेनिज्म इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा होती है। बाई द वे MEBR और ETBR इन दोनों में तो SN1 मैकेनिज्म होती ही नहीं है, ठीक है, इन दोनों ही केस में SN1 मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक, इन दोनों केस में SN1 मैकेनिज्म नहीं होती, लेकिन इन दोनों में SN1 मैकेनिज्म होती है। इन दोनों में क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म होती है। तो याद रखिएगा कि 2nd डिग्री और 3 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। 1 डिग्री में कभी कभी होता है, वो भी कंडीशनल है, वो थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके ग्राफ को समझिए। अच्छा, एक चीज़ आपको याद हो अगर पिछली वीडियोज से, तो मैंने वहाँ समझाया था कि एक फैक्टर आता है सॉल्वोलिसिस, क्या, सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट के द्वारा, जैसे आप यहाँ पे क्या लेते हो, SN1 मैकेनिज्म में आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का क्या हो जाता है, सॉल्वोलिसिस हो जाता है, उसके किनारे किनारे सॉल्वेंट, सॉल्वोलिसिस के बजाय हम बोले सॉल्वेशन हो जाता है। तो सबसे अच्छा सॉल्वेशन किसका होता है, जो जितने देर तक सॉल्यूशन में रहेगा उसका सॉल्वेशन होने का चांस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेंट का किसी के किनारे किनारे आकर के लग जाए। तो कार्बोकैटायन के किनारे किनारे अगर मान लो वाटर लिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स आके लग जाएंगे, इथेनॉल लिया तो इथेनॉल आके लग जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो कभी-कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए सॉल्वोलिसिस का रेट क्या होगा, तो सॉल्वोलिसिस का रेट जब कभी भी पूछा जाए, दोबारा सुनिए इस लाइन को, जब कभी भी आपसे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा जाए, जब कभी आपसे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा जाए, वहां तुरंत आप SN1 मैकेनिज्म सोच करके उसका क्या करिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना दीजिए। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसकी सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगी, इस वजह से वो जल्दी टूटेगा। तो सॉल्वोलिसिस का मतलब सॉल्वेंट की वजह से जल्दी टूटना, बात समझ में आ गई होगी शायद। कहीं भी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस लिखा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म अप्लाई कर देंगे, ओके। तो चलिए मैंने SN1 समझा दिया। SN2 देखिए, SN2 में पता होता है कि देखो ये 3 डिग्री पर तो SN2 होता ही नहीं, क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक करवाना रहता है और ये बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ SN2। तो 3 डिग्री में देखिए, 3 डिग्री में मैं क्या ले रहा हूँ, SN2 की कंसेंट्रेशन, मान लो SN2 यहाँ पर, सॉरी दोबारा सुनिए, ये 3 डिग्री यहाँ पर है, तो 3 डिग्री पर SN2 की रेट क्या होगी, 0, SN2 की रेट क्या होगी, 0, ठीक। तो ये SN2, अगर जैसे जैसे डिग्री पीछे लेते जाएंगे उतना रेट बढ़ता जाएगा, तो ऐसे समझिए इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक। ये IPR यहाँ आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ पे, ठीक। दोबारा सुन लीजिए, ये वाली जो चीज़ बनाई वो किसका है, SN2 मैकेनिज्म का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, CH3 BR, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करवाना, इस कार्बन पर अटैक करना बहुत आसान है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो इजीली अटैक होकर ब्रोमीन हटाया जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा रेट किसकी आएगी, SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा रेट आएगी MEBR की, और 0 रेट किसकी आएगी, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, क्योंकि उसकी होती नहीं। तो ये ग्राफ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं भैया रिएक्शन को कैसे टैगल करेंगे, ओके। तो ध्यान से सुनते रहिए, हर चीज़ में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना आपके कोर्स में है उसको पूरा कवर करूंगा। मैं क्लेडन की बुक को रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, आप वहाँ से देख भी सकते हो, ओके।
CH3Br की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई जाए तो मैं पहले बताता हूँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। हमें कैसे पता चला, दोबारा सुनिएगा, क्योंकि वाटर क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को हम कहाँ यूज करते हैं, SN1 मैकेनिज्म में यूज करते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर CH3Br तो रिएक्शन नहीं करता। देखो CH3Br SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन नहीं करता, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही, यहाँ पे आप रेट बोलो कि रेट बहुत कम होती है, यहाँ पे कहीं लिख लो, ठीक है, कुछ ऐसे, उसकी रेट बहुत कम होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो CH3Br का वाटर के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन KCl लिखा गया है तो याद रखिएगा, जब सॉल्वेंट मेंशन नहीं है और वो पोलर प्रोटिक नहीं है, उस कंडीशन में हमें हमेशा सेंटू कराना होता है, ठीक है। इसको तोड़िए, कैसे टूटेगा, K+ एंड Cl नेगेटिव, तो कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा, कार्बन का नेगेटिव CH3 पर अटैक करेगा, ब्रोमीन अपनी तरफ नेगेटिव कर लेगा तो इधर पॉजिटिव छोड़ेगा, इस पॉजिटिव की तरफ कार्बन का नेगेटिव आएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cn, ठीक, प्लस KBr। भाई इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, यही तो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया, ये कौन सी रिएक्शन थी भाई, ये SN2 थी, तो ये रिएक्शन होगी, हाँ होगी, ये होगी, लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। अब NaI एसीटोन कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN2 मैकेनिज्म। पोलर एप्रोटिक की जरूरत कहाँ होती है, SN2 में। NaI को तोड़िए, कैसे होगा, Na+ I नेगेटिव, ठीक। और हमें पता है SN2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, एनायनिक होना चाहिए, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि SN1 में कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे वाटर न्यूट्रल है, C2H5 इथेनॉल न्यूट्रल है, ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो SN1, नहीं तो अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा हो गया, एनायनिक, तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नेगेटिव इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये ब्रोमीन बाहर, तो क्या हो जाएगा, आई जुड़ जाएगा किससे, CH3 से, प्लस NaBr का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक। आप कहोगे सर आपको कैसे पता है NaBr का प्रेसिपिटेट, बताता हूँ, याद रखिएगा इस फैक्टर को, ब्रोमीन और इस सोडियम दोनों जब NaBr मिलते हैं, एसीटोन में NaBr क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन यही NaBr वाटर में क्या होता है, अलग अलग आयन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। लेकिन NaBr इस एक्चुअली NaI एसीटोन को चुनने का सबसे खास वजह ही यही थी कि वो जो भी NaBr बनेगा, जो भी NaCl बनेगा, वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा आपके एसीटोन के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया होगा सर, CH3Br सिर्फ और सिर्फ SN2 देता है, वो कभी SN1 नहीं देता। आगे आइए, CH3CH2Br में हमने क्या लिखा हुआ, देखिए वाटर विद एसीटोन। आप कहोगे सर वाटर तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जबकि एसीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मैं आपको बता दूं, कभी भी वाटर विद एसीटोन लिखा हो, याद रख लीजिए, वाटर कहीं भी लिखा हो तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर का कंटेंट ज़्यादा, कंसंट्रेशन के बजाय कंटेंट कहना ज़्यादा सही शब्द है, कंटेंट ऑफ वाटर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन बहुत कम है, लेकिन क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया देखो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें कौन सा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, SN1 मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि SN1 मैकेनिज्म तो 1 डिग्री पर होता ही नहीं है, अभी पढ़ा, देखिए 1 डिग्री पर SN1 नहीं कराते। मैं कह रहा हूँ मत कराओ, कहीं नहीं आएगा ऐसे सवाल कि 1 डिग्री में यहाँ कराना पड़े, ठीक है। अगर आता है तो समझ लें उसने अज्यूम कर लिया है, लेकिन वो कभी प्रैक्टिकली लैब में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, 1 डिग्री वाला भी पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल, NaI एसीटोन अभी पढ़ा हमने, एसीटोन NaI में देख के पता चल रहा होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और एसीटोन क्या है भाई, अभी पढ़ा हमने कि क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब मैकेनिज्म कैसा जाएगा, SN2 I नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आयोडीन बन जाएगा, प्लस NaBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कहाँ पर, एसीटोन के अंदर NaBr का प्रेसिपिटेट, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, CH3Br और 1 डिग्री वाला सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, SN2 देगा, SN1 नहीं देगा। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वहां पे आपको पहचानना है कि कौन सा SN1 है और कौन सा SN2 है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक डबल बॉन्ड है, उसके आगे एक कार्बन है, उस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और ये क्या है, एलाइलिक ब्रोमाइड, क्या है, एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है। एलाइलिक ब्रोमाइड के बारे में देखिए, पहली बात तो पता करिए कार्बन कौन से डिग्री है, तो पता चला ये कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ था। तो अब 1 डिग्री क्या SN1 देता है, अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं देता है, लेकिन मैंने वहां बोला था कि ऐसा
वन डिग्री जो कि स्टेबल ना हो। हम इस बात को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसएन वन होगा कौन सा एसएन टू होगा, तो हम कैसे देखते हैं, देखो सी टू एच फाइव ओएच हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो सॉल्वेंट कैसा न्यूट्रल है, उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव लिखा हुआ है। अब ओ नेगेटिव हमने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज या एनायनिक कभी भी देखो तो तुरंत आपके दिमाग में एनायनिक सोच करके टू क्लिक करना चाहिए और न्यूट्रल सोच करके वन क्लिक करना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल होगा तो वन, अगर एनायनिक होगा तो एसएन टू। तो यहीं से पहचान में आ गया कि एसएन वन मैकेनिज्म और यहाँ पे एसएन टू मैकेनिज्म है। एसएन वन मैकेनिज्म करेंगे तो क्या करना होगा, पहले स्टेप में ऐसा डबल बॉन्ड होगा, ब्रोमीन हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस कार्बन पर क्या होगा सी एच टू प्लस, ठीक। और इस सी एच टू प्लस पर रेजोनेंस हो जाएगा, देखो ये यहाँ आएगा, इस वजह से ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पर एसएन वन पॉसिबल है। अब क्या होगा, इस पर सी टू एच फाइव ओ एच अटैक करेगा, ठीक है। सी टू एच फाइव ओ एच का ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड सी एच टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड इथाइल, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। बाद में हम क्या करेंगे H+ हटा देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, एक ईथर बना दिया इस तरीके से SN1 मैकेनिज्म यूज करके। लेकिन SN2 हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पर अटैक करेंगे बैक साइड और ये ब्रोमीन बाहर, ठीक। इसमें दो स्टेप की मैकेनिज्म नहीं होती, सिंगल स्टेप यूज करना होता है SN2 में। तो क्या बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पर क्या होगा सी एच टू, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होगा और आगे क्या था सी टू एच फाइव, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट दोनों में सेम बना है लेकिन ये SN1 मैकेनिज्म से गया, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्वेंट था सी टू एच फाइव ओ एच, जबकि हमने यहाँ पे एनायनिक सॉल्वेंट लिया था। अगला देखो भाई, इसको बहुत पिछली वाली वीडियो में बहुत ध्यान से मैंने पढ़ाया था कि आप कैसे समझोगे, याद कैसे रखोगे, ठीक है। लेकिन चलिए देखें, दोबारा पढ़ा देता हूँ, सी टू एच फाइव ओ एच विद के ओ एच, याद रखना, इसको देख के ये मत सोचने लग जाना कि सी टू एच फाइव ओ एच तो भैया न्यूट्रल सॉल्वेंट है, लेकिन भाई साहब जिसको हमने साथ लिया है ना के ओ एच, वो क्या है के प्लस ओ एच नेगेटिव, ये कैसे हैं, ये तो एनायनिक स्पीसीज हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हम क्या करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा लेते हैं, के ओ एच को थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो पहचाने का तरीका सीखिए, ये क्या है सी टू एच फाइव ओ एच सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हमने बाहर से थोड़ा सा उसमें के ओ एच डाला, तो के ओ एच यहाँ का एच प्लस उठाएगा तो क्या बनेगा सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव के प्लस, ठीक, पहले इस तरीके का आएगा, बाकी यहाँ का एच प्लस और यहाँ का ओ एच नेगेटिव वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब ध्यान सुनना, पहली बात तो कैसा बन गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन कैसा है वन डिग्री, लेकिन वन डिग्री के साथ एक खासियत है, बगल में कौन है कार्बोनिल कार्बन, हमने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में, कार्बोनिल कार्बन अगर वन डिग्री के बगल में होगा तब भी इसकी रेट 10 की पावर 5 होता है, किसी भी वन डिग्री के रिस्पेक्ट में 10 की पावर 5 एक लाख गुना ज्यादा अच्छे तरीके से SN2 मैकेनिज्म होता है, ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्रोमीन उड़ा दीजिए, नेगेटिव क्या करिए अटैक करिए, ब्रोमीन गायब, क्या बनेगा, क्या बनेगा सी ओ सी एच टू, ठीक है, सी ओ सी एच टू, ब्रोमीन हटा दिया, क्या जुड़ा ऑक्सीजन ओ सी टू एच फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, कौन सा मैकेनिज्म लगाया एस एन टू। अच्छा अगर मान लीजिए कोई पूछे कि क्या एस एन वन होगा, चलिए आप सोच के बताइए, मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूँ सी टू एच फाइव ओ एच के साथ, ठीक है, क्या यहाँ पर एसन वन पॉसिबल है, मैं मान लेता हूँ हाँ पॉसिबल है, ठीक है, पहले ये मैं मान लेता हूँ, बाद में बताऊँगा कैसे नहीं है, ठीक है। अगर मैं मानूंगा तो क्या बनाना पड़ेगा मुझे, कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाना है तो देखो क्या बनेगा सी ओ, बगल में क्या रहेगा सी एच टू प्लस, मेरे भाई ये सी ओ का माइनस आई इफेक्ट लगेगा और इस प्लस को वो बर्बाद कर देगा, इसलिए ब्रोमीन यहाँ से हटना ही नहीं चाहेगा, इसका मतलब ये कभी भी एस एन वन रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ एस एन टू देता है, कौन, एक ऐसा वन डिग्री कार्बन जिसके बगल में कार्बोनिल कार्बन लगा हो, ठीक है, पहचानने का तरीका समझ में आया, ओके। अगला करते हैं, एक ऐसा कार्बन है, एक कार्बन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन सी एस थ्री ब्रोमीन और ओ सी एस थ्री, तो इसको हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है कि अगर किसी कार्बन के पास क्या लगा हो, हेट्रो एटम लगा, हेट्रो एटम मतलब कार्बन के अलावा कोई चीज़, हेट्रो शब्द का मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब अलग, तो ऑक्सीजन लगा है, तो ऐसे केस में क्या होता है दोनों होता है, SN1 SN2 दोनों होता है, ठीक है। SN1 क्यों होता है,
वो चीज़ सुनिए, क्योंकि हमने सॉल्वेंट दिया है वाटर। वाटर कैसा है? न्यूट्रल सॉल्वेंट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्वेंट में क्या होगा भाई, यहाँ का ब्रोमीन हमें उड़ाना पड़ेगा, तो एस एन वन मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्रोमीन हट जाता है, एक कार्बन रहेगा हाइड्रोजन सी एच थ्री, बगल में क्या रहेगा ओ सी एच थ्री, और कार्बन पे कौन सा चार्ज भाई, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन हमने हटा दिया। एस एन वन मैकेनिज्म ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बनेगा। लेकिन मेरे भाई ये जो चीज़ आपने बनाई है बहुत स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ओ सी एच थ्री का यहाँ पर क्या लगेगा प्लस एम, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी एस थ्री, और यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये कार्बन क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन, क्योंकि ये कार्बन स्टेबल है, इस वजह से एस एन वन होना चाहेगा, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसलिए एस एन वन को फॉलो कर लेगा। और आपको ये चीज़ बता दूँ, ये एस एन वन में बहुत ही एक्सीलेंट है, क्या है, बहुत ही एक्सीलेंट है। लेकिन अब SN2, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है SN2 का प्रोसेस होगा, SN2 में बस ऐसा बोल सकते हो ये गुड है, मतलब ठीक ठाक SN2 करता है, लेकिन जब SN1 करने का मौका मिलता है तो बहुत शानदार करता है। अब आपको लगेगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है, सारी कहानी दोबारा सुनो। ब्रोमीन उड़ाया, उड़ाने के बाद क्या बनाया, पॉजिटिव, बनाते हमने क्या दे दिया, ओ सी एस थ्री का प्लस है। मेरे भाई इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, SN1 बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, बाद में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा। ठीक है, वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा, वाटर सेंटर पर अटैक करेगा, फिर ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो फाइनली देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कार्बन होगा जिस पर क्या लिखा होगा OCS3, बाद में क्या लग जाएगा, एक नया OH लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर मैं बार बार वाटर ले रहा हूं, आप ले सकते हो और भी कोई चॉइस, C2H5OH वगैरह ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो शायद समझ में आया होगा कि इसको ऐसे बनाएंगे। लेकिन एन ए ओ एच एक्वस के साथ क्या होगा भाई साहब, तो आप तुरंत बोलो, देखो एन ए प्लस ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कैसा, एनायन, एनायन मिला तो हम क्या बोलेंगे, एस एन टू, एनायन देखते ही क्लिक करना चाहिए एस एन टू, और एस एन टू में ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, ओ एच नेगेटिव बैक साइड जाकर इसको ठोंक देगा, निकल भाई साहब, तो इसको निकाल देगा, एक कार्बन जिसमें क्या लग जाएगा सी एस थ्री, फिर इस पर क्या हाइड्रोजन, पीछे से क्या आया ओ एच, जो आपने अटैक कराया क्या आया ओ एच, और पहले से क्या लगा था ओ सी एस थ्री। देखो प्रोडक्ट तो सेम बना है दोनों में, लेकिन मैकेनिज्म का अंतर है। मैकेनिज्म जब वन बनती है ना, एस एन वन के थ्रू जाते हो आप, ये का एस एन वन के थ्रू जब जाते हो ना आप, तो आप बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हो, इस वजह से ये बहुत एक्सीलेंटली कौन सी रिएक्शन करता है, SN1, लेकिन SN2 कर लेता है ठीक ठाक, गुड रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में कुछ पॉइंट्स बचे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है 3 डिग्री RX के लिए कैसे रिएक्शन दी जाएंगी, अगर कार्बन 3 डिग्री है, देखिएगा ये कार्बन क्या है 3 डिग्री है, तो इससे अगर सामने वाटर दे रखा है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वाटर दे करके कौन सा मैकेनिज्म लगाना है, SN1 मैकेनिज्म लगाना है। ठीक है, और NaCN देख करके लग गया होगा कि एनायनिक है, इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए, SN2 लगाना चाहिए। प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा बाद में डिसाइड करेंगे, तो पहले देख करके पता चलना चाहिए, न्यूट्रल है जबकि ये क्या है, एनायनिक है, प्लस एन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन SN2 हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन कैसा है 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन पर SN2 तो होता ही नहीं है, SN1 बहुत शानदार तरीके से होता है। ठीक है, तो SN1 वाली प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसके बैक साइड अटैक इम्पॉसिबल है 3 डिग्री के। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ब्रोमीन को हटाएंगे, ब्रोमीन को हटाएंगे तो क्या बनेगा ऐसा, और इस कार्बन पे क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर बाद में इसमें क्या करो, वाटर अटैक करा दो। ठीक, तो मैं फाइनली रिजल्ट बना देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, एच प्लस हटाने वाला, बाकी क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री ब्रोमाइड से हमने क्या बना दिया, 3 डिग्री एल्कोहल बाय यूजिंग SN1। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन कायरल है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन पीएच और क्लोरीन लिखा है, जबकि इस कार्बन पर क्या है एच मिथाइल और ईटी। ठीक है, तो ये क्या है, सबके सब अलग अलग है, दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या थी, दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन देखिए इसमें ये नीचे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन मिथाइल और ईटी, तो इसमें तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो लगा नहीं है कि इस पर कुछ असर आएगा, जो भी असर आएगा वो इसी कार्बन पर आएगा। ठीक है, तो जहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब हमें ये पता करना है ये कौन सी डिग्री है, तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी डिग्री है भैया, एक हाइड्रोजन लगा है तो निश्चित रूप से ये क्या है
टू डिग्री है क्योंकि इससे पीएच जुड़ा हुआ और नीचे एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये टू डिग्री कार्बन है। तो टू डिग्री को अब इससे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि टू डिग्री में एसन वन भी होता है एसन टू भी होता है, तो कैसे पता करें। अब एम ई ओ एच में पता है कि न्यूट्रल सॉल्वेंट है, तो न्यूट्रल सॉल्वेंट क्या बताता है, एसन वन मैकेनिज्म की तरफ इशारा करेगा। ए जी एन ओ थ्री क्या बताता है, कन्फर्म करता है एसन वन मैकेनिज्म के बारे में। याद रखिए ए जी एन ओ थ्री कहीं लिखा मिल जाए, आपको एक चीज और बताता हूँ, ए जी एन ओ थ्री ही नहीं, आपको कहीं ए जी प्लस मिले, चाहे एच जी टू प्लस मिले, चाहे जिंक प्लस टू मिले, ये सारे लोग कहीं भी मिलेंगे ना, वो एसन वन मैकेनिज्म में कैटालिसिस के यूज किए जाते हैं। अब सोचो अगर ये मिलेंगे तो कैटालिसिस करेंगे, और कैटालिसिस इनका कैसे होता है, इनका ए जी प्लस जाकर के क्लोरीन को बुलाता है कि भाई आ जाओ, और जैसे आता है उसको प्रेसिपिटेट करवा देता है। जब प्रेसिपिटेट करवा देगा तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं आती, हमेशा फॉरवर्ड जाती है। तो कैटालिसिस का ये फायदा है कि क्लोरीन जल्दी निकल के बाहर आ जाता है। ये कब होता है, जब हम Ag+, Hg2+ और जिंक 2+ जैसी कोई स्पीसीज लेते हैं। ठीक है, तो यहां से कंफर्म हुआ SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा, अब मैं इस कार्बन को बना रहा हूं, इस वाले कार्बन को, क्लोरीन हमने क्या किया हटा दिया, पहले स्टेप पे क्लोरीन हट जाएगा तो इस पर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या बनेगा पीएच, और यहां पे क्या बनेगा एक हाइड्रोजन, और अगले कार्बन पर देखिएगा ध्यान से, इस वाले पर तो कोई असर पड़ा नहीं, तो एच यहां पे रहेगा, मिथाइल यहां रहेगा, ईटी यहां रहेगा, इस पर तो कोई फर्क आया नहीं था। ठीक है, अब ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइड है, एच पीएच और ये कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कौन अटैक करने जाएगा, यहां से कौन अटैक करने जाएगा उस पर, तो पता चलेगा आपको कि MeOH, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट तो यही है ना, तो सॉल्वेंट हमारे पास एक्सेस में रहेगा तो यही जाकर के अटैक करेगा, तो ये अबव साइड भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड भी अटैक कर सकता है। तो क्यों, क्योंकि ये कार्बन कैसा है sp2, तो sp2 प्लेनर होता है, तो ऊपर साइड भी अटैक हो सकता है नीचे साइड भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि दो चीजें बनने की संभावनाएं आएंगी आपके सामने। देखिए इस वाले में तो कोई असर नहीं आने वाला, तो H यही लिखिए, मिथाइल यही लिखिए, ईटी यही लिखिए। ठीक है, अगर मैं पीएच यहां लिखूं जिधर क्लोरीन था उधर क्या लिख दूं, वो मिथाइल लिख दूं और एच लिख दूं, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, देखिए नीचे वाले में तो कोई असर आएगा नहीं, नीचे वाले को ऐसा लिखिए एच मिथाइल ईटी, लेकिन ओ मिथाइल को आप इस साइड लिख दीजिए, ओ मिथाइल इस साइड, एच यहाँ पर और पीएच यहाँ पर, तो आपके सामने ये दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट P1 और प्रोडक्ट P2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोबारा बताता हूँ, इस वाले पार्ट पर कोई असर नहीं आया, ना तो यहाँ आया ना तो यहाँ आया ना तो यहाँ आया ना तो यहाँ आया, इतनी बात तो कन्फर्म है भैया। ठीक है, दोबारा एक अगली लाइन सुनिएगा, जब यहां पर कार्बन पे प्लस बनता है तो अबव साइड बैक साइड अटैक करने से इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, जो कॉन्फ़िगरेशन यहां होगा उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन यहां होगा, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, मान लेता हूं, अभी निकाल नहीं रहा हूं मैं, मान लेता हूं कि मान लीजिए ये आर है तो ये एस है। ठीक है, अगर ये आर है ये एस है और ये आर है तो ये भी आर है, तो क्या बनेगा, देखिए आर आर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा एस आर का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये मैंने माना है, आप निकाल के चेक कर सकते हो, ऐसा ही आएगा कुछ। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन से क्या पता चला कि आर आर एस आर क्या होते हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन है, P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन है, P1 और P2 के बीच में डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन है, इस बात को आप समझ पाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के लिंक में आप मतलब डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डायस्टीरियोमर के बारे में पहले पढ़िए समझिए निकालते कैसे हैं, तब आप समझ पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आता हो तो देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता भी चुका हूं कि क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है लेकिन ऊपर वाला पार्ट बदल रहा है, देखो ये वाला पार्ट बदल रहा है तो नीचे वाला पार्ट सेम है ऊपर वाला बदल रहा है, तो ये तो इनेंसियोमर हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो दोनों तरफ बदल जाता तो इनेंसियोमर होता, लेकिन नीचे वाला सेम है ऊपर वाला बदल रहा है तो निश्चित रूप से डायस्टीरियोमर है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि SN1 मैकेनिज्म में रेसमाइजेशन होता है, लेकिन ये तो भैया डायस्टीरियोमर बना रहे हो, इनेंसियोमर नहीं, P1 P2 इनेंसियोमर नहीं है, डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, इसलिए याद रखिए अगर कहीं ये लिखा है ना कि SN1 में रेसमाइजेशन ही होता है, ये लाइन गलत है। क्या बोलोगे, रेसमाइजेशन हो सकता है, ठीक है, डायस्टीरियोमर बन सकता है। ठीक है, तो ये कुड बी के अंदर है, हो सकता है कि स्थिति है इनकी। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं बोल सकते, जब तक आपको रिएजेंट ना दिया जाए तब तक आप कभी भी कमेंट करके ये नहीं बता सकते किसी भी रिएक्शन में, और खासकर SN1 रिएक्शन में ये नहीं बोल सकते कि रेसमाइजेशन होगा ही होगा, यहाँ पर रेसमाइजेशन नहीं हो रहा है, रेसमाइजेशन का मतलब था कि P1 और P2 क्या निकलते, इनेंसियोमर, लेकिन इनेंसियोमर तो निकले नहीं। ठीक है, ये तो डायस्टीरियोमर निकल गए, इसलिए आपको रिएक्टेंट का पता होना जरूरी है। ठीक है, बहुत एलेबोरेट कर रहा हूँ एक्चुअली, चलिए आगे देखता हूँ।
अगला सवाल देखिएगा, एनएएच डीएमएसओ है, ये क्वेश्चन आपके एडवांस के पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो आगे आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे होंगे ये मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको कहाँ मिलने से पता है, क्लेडन की बुक में, ये दोनों एग्जांपल क्लेडन की बुक में दिए हुए हैं, तो बुक से उठाए गए थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो एनएएच डीएमएसओ, डीएमएसओ क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक कहाँ लगाता है, SN2 मैकेनिज्म में, हमें पता है एनए प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। और NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, डेल प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज, डेल प्लस चार्ज, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इजीली यहां पर अटैक करेगा और ये निकल के बाहर आ जाएगा, कितना आसान था। NO2 क्या करता है भाई, NO2 क्या इफेक्ट लगाएगा इस पर, माइनस एम और माइनस आई, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचेगा NO2 तो इस पर खूब सारा प्लस आएगा और प्लस की वजह से इसका नेगेटिव का अटैक आसान हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा OH और यहाँ पर लगा रहेगा NO2, शायद आपको इतनी बात पच गई होगी, ठीक है। यहाँ पर अटैक करेंगे और ये निकल जाएगा और ये हेल्प कौन कर रहा है, NO2, ठीक है। अगला सवाल देखिए, H2O दिया हुआ है भाई, सॉल्वेंट देखते ही पता चल गया SN1 मैकेनिज्म है, लेकिन क्या SN1 मैकेनिज्म अच्छे से हो पाएगी, तो जवाब है हाँ। कैसे, देखिए जैसे आप प्लस बनाओगे ना, नीचे से OCH3 क्या करेगा, प्लस एम देगा, और प्लस एम का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस CH2+ को स्टेबल करेगा, इस वजह से इस पर आसानी से SN1 की प्रोसेस हो पाएगी, इसलिए हमने नीचे OCH3 लिखा ताकि इसको सपोर्ट करे, इस कार्बोकैटायन को सपोर्ट करे। बाद में इस पे वाटर से क्या करोगे, अटैक करवा दोगे, और अगर वाटर से अटैक करवाते हो तो क्या बनेगा, देखो CH2 और OH बन जाएगा, यहां पर क्या रहेगा NO2, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा SN1 मैकेनिज्म से, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा NO2 नहीं भैया OCH3, ठीक है, क्या रहेगा OCH3। तो ये कैसे बन जाएगा SN1 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म में किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन देने वाले लोगों की, SN2 में किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन खींचने वालों की, क्योंकि इस पर प्लस जनरेट करना होता है, और यहाँ पर जब प्लस जनरेट हो जाए तो उसको स्टेबल करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी तरह से समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करिए, दोबारा पढ़िए, हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में किसी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।